नमस्कार मित्रों, आपका हिंदी भाषा बोध चैनल में स्वागत है। आज हम मुक्ति बोध के बारे में मुख्य बिंदु पढ़ेंगे। मुक्ति बोध जो कि फैंटेसी के कवि कहे जाते हैं और इनकी रचनाएं भी अंधेरे में ब्रह्म राक्षस, भूल गलती आदि बहुत प्रसिद्ध हुई हैं। मुक्ति बोध को भयानक कवियों का कवि कहा जाता है। चांद का मुंह टेढ़ा है काव्य संकलन में अधिक जटिल बिंबों की सघनता, ठेठ देशी प्रतीकों वाली कविताओं की बहुलता है। मुक्तिबोध की कविताओं में नाटकीयता और रहस्य मुख्य रूप से विद्यमान है। मुक्तिबोध को गहन अनुभूति और तीव्र इंद्रिय बोध का कवि माना जाता है। ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है, पूछा गया है कई बार। मुक्तिबोध ने अपने काव्य संकलन का नाम चांद का मुंह टेढ़ा है प्रतीकात्मक रूप में रखा है। सुंदरता की अभिव्यक्ति के लिए चांद सर्वाधिक प्रचलित उपमान रहा है। मुक्तिबोध चांद के मुंह को टेढ़ा बताकर पारंपरिक और अभिजात सौंदर्य बोध को नष्ट करना चाहते हैं। मुक्तिबोध की प्रसिद्ध कविताएं हैं अंधेरे में, ब्रह्म राक्षस, अंतःकरण का आयतन, भूल गलती। अंधेरे में मुक्तिबोध की बहुचर्चित व लंबी कविता है। मुक्तिबोध की रचनात्मकता का उत्कर्ष अंधेरे में रचना में देखा जा सकता है। अंधेरे में कविता फैंटेसी शैली में लिखी गई है। सन 1964 में कल्पना पत्रिका में अंधेरे में कविता का प्रथम प्रकाशन हुआ था और इसका पुराना नाम था आशंका के द्वीप अंधेरे में। पहले जो इसका नाम था आशंका के द्वीप अंधेरे में नाम था, बाद में इसका सिर्फ अंधेरे में नाम रख दिया गया मुक्तिबोध के द्वारा। मुक्तिबोध का काव्य तिलिस्मी और अय्यारी उपन्यासों की भांति रहस्यमय ढंग से बिंबों से भरा हुआ होता है। इसमें अद्भुत चमत्कार, भयावह चित्र, डरावनी सूरतें, आतंक आदि मिलता है। मुक्तिबोध ने फैंटेसी को अनुभव की कन्या कहा है, बहुत महत्वपूर्ण है। मुक्तिबोध ने फैंटेसी को अनुभव की कन्या कहा है और इसी प्रकार एक वाक्य और कहा है उन्होंने, अनास्था आस्था की पुत्री है, ये भी याद रख लीजिएगा। ब्रह्म राक्षस मुक्तिबोध की लंबी कविता है। इसमें ऐसे ब्राह्मण का चित्र खींचा गया है जो अपनी अतृप्त आकांक्षाओं के साथ मर चुका है, बाद में वह ब्रह्म राक्षस बन जाता है। भूल गलती कविता में मुक्तिबोध ने मनुष्य के अंगों और भावों का सजीव चित्रण किया है। सिरफिरे का गीत कविता में कवि ने अकर्मण्यता, कर्तव्यहीनता, संवेदन शून्यता, स्वार्थपरता को दर्शाया है। इस कविता में मुक्तिबोध ने अपना आत्मनिरीक्षण भी किया है, बहुत महत्वपूर्ण है। प्रश्न पूछ सकते हैं कि मुक्तिबोध ने अपना आत्मनिरीक्षण किस कविता में किया है, तो सिरफिरे का गीत में किया है। विक्षुब्ध बुद्धि के मारक स्वर मुक्तिबोध की ही कविता है। भारत इतिहास और संस्कृति की पुस्तक को मध्य प्रदेश सरकार ने 1962 में प्रतिबंधित कर दिया था और इसी के बाद ये बीमार भी हो गए थे और अंत में 1964 में इनकी मृत्यु हो गई थी। बहुत बड़ा आघात था इनकी, ये बहुत अच्छी किताब आई थी जिसको मध्य प्रदेश सरकार ने प्रतिबंधित किया था 1962 में। मुक्तिबोध संवेदनात्मक ज्ञान और ज्ञानात्मक संवेदन सूत्र के प्रयोक्ता हैं, ये भी बहुत महत्वपूर्ण पंक्ति है। मुक्तिबोध संवेदनात्मक ज्ञान और ज्ञानात्मक संवेदन सूत्र के प्रयोक्ता हैं। फैंटेसी के संदर्भ में मुक्ति के बोध के विचार क्या हैं? फैंटेसी के संदर्भ में मुक्तिबोध क्या कहते हैं? ज्ञान गर्भ फैंटेसी द्वारा सार रूप में जीवन की पुनर्रचना करता है। ज्ञान गर्भ फैंटेसी द्वारा सार रूप में जीवन की पुनर्रचना करता है। फैंटेसी के अंतर्गत भाव पक्ष प्रधान और विभाव पक्ष गौण और प्रच्छन्न तो होता ही है, साथ ही यह भाव पक्ष कल्पना को उत्तेजित करके बिंबों की रचना करते हुए एक ऐसा मूर्त विधान उपस्थित करता है कि जिस विधान में उस विधान ही के नियम होते हैं, ये महत्वपूर्ण है। फैंटेसी के अंतर्गत भाव पक्ष प्रधान और विभाव पक्ष गौण और प्रच्छन्न होता है, ये इतना महत्वपूर्ण होता है, प्रश्न बन सकता है।
फैंटेसी के अंतर्गत भाव पक्ष प्रधान होता है, विभाव पक्ष गौण होता है। ये आगे और कहते हैं कि यह नंगा फासिज्म है, लेखक को लोग घेरें, शारीरिक क्षति की धमकी दें, इधर सरकार सुनने तक को तैयार नहीं, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की हत्या की जा रही है। जब इनकी किताब बैन कर दी गई थी, इसको प्रतिबंधित कर दिया गया था, तब इन्होंने ये कहा था, यह नंगा फासिज्म है, लेखक को लोग घेरें, शारीरिक क्षति की धमकी दें, इधर सरकार सुनने को तैयार नहीं, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की हत्या की जा रही है। मुक्तिबोध बहुत विरोधात्मक कवि थे और लेखक भी थे। वे अपनी रचनाओं में जहाँ तहाँ फैंटेसी और अपनी क्रांतिकारी दृष्टि का परिचय देते हैं। और मुक्तिबोध 1917 से 27 से 64 तक इनका काल रहा है, 47 साल इनकी उम्र रही है। बाकी आप याद रखिएगा, ये बहुत सारे महत्वपूर्ण बिंदु थे, सोचा आपको बता दूं। कैसा लगा आप बताइएगा अवश्य। धन्यवाद।